हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आए हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। देर से ही ऊपर हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। मुझे लगता है शायद बात हो रही है घर पर। देखिए गाइस, देखिए आराम फरमाया जा रहा है, ब्लैंकेट ओढ़ कर, ठंडी में ईयरफोन लगा कर बात कर रहे हैं घर पे। बात भी कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑफिस का काम था वो भी कर रही हूँ। ओके, तभी मैं सोचूं कि आप ऊपर गए हैं, उसके बाद नीचे ही नहीं आए अभी तक। समझ गया था मैं कि घर पे बात चल रही होगी या फिर लेट गए होंगे। ये ठंड बहुत है गाइस आज, तो बाहर निकलने में समझ में आ रहा है बिल्कुल। गाइस, हम लोग शाम में शूट करने के लिए सोच रहे थे, बट लेटे तो लेटे लेटे नींद लग गई और अभी हो गया है 9:45 बज गया है, 10 बजने वाले हैं। तो मम्मी ने जगाई, मम्मी को कि हम लोग कहीं बाहर चले गए हैं, कि कहाँ है, आवाज़ लगाई तो आवाज़ हमने मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मम्मी आके देखी कि सोए, तो फिर मम्मी ने जगाई और हम लोग आए हैं अभी नीचे और प्रिया है किचन में। तो देखिए आज क्या बनता है डिनर, चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं किचन में और सो गए थे ना। ये ही थी, ब्लैंकेट उड़कर लेटी थी, इन्हीं की वजह से मुझे नींद लग गई। घर पे बात करते करते हम लोग लेट गए, बात करते हुए कि वो MX के लिए वीडियोस शूट करना है, बट सोचे कि थोड़ी देर बात करेंगे। वो थोड़ी देर ऐसी हुई कि जो लेटे तो फिर लेटे ही रह गए। जब नींद उठी तो लगा कि अरे यार खाना तो बना नहीं है। मम्मी जगाई कि अरे इतना लेट हो गया, मम्मी को भी नहीं पता था कि मतलब हम लोग सो गए, ऐसा लगा उनको कि लेटे हैं, बट वो आवाज लगाई जब उनको रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो फिर वो आकर देखी हम लोग सो गए। फिर मम्मी जगाई कि बेटा बहुत टाइम हो रहा है, फिर खाना कब खाओगे करके ऐसा। हम लोग आए हैं नीचे और ये लग गई है काम में। क्या बन रहा है स्पेशल कुछ? पास्ता। तो पास्ता बन रहा है आज, क्योंकि मम्मी बहुत टाइम से भी बोल रही थी। मम्मी बोल रही थी ना आपको? मम्मी बहुत टाइम से बोल रही थी। एक दिन मैं सुन रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं आप बेटा पास्ता नहीं बना है करके, क्योंकि पास्ता प्रिया बहुत टेस्टी बनाती है। तो मैंने सोचा कि आप हार्ड एंड फास्ट क्या हो सकता है, तो चलो पास्ता ही बना लें। मतलब मेरे तो मजे ही मजे हैं भाई। डिमांड तो आ रही थी पिज्जा पराठा की, डिमांड मैं कर रहा था पिज्जा पराठा के लिए, बट ठीक है ये भी चलेगा, नो इशू। हाँ, और सोया बड़ी सब्जी कब बनाएंगे? पता, कभी बना दूंगी यार, मन कर रहा है खाने का। जब बनेगी तो फिर मैं उसकी फोटोज लूंगा, फिर मैं जया को सेंड करूंगा, फिर जया वहां से फोन करेगी, फिर मुझे सुनाएगी कि आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। हाय हाय, देखा गाइस आपने, खाने में तो जो मजा आएगा तो आएगा, सबके अंदर मजा आएगा चिढ़ाने में यार। मतलब मेन मूड आपका खाने का मन नहीं है, नहीं खाने का मन है, खाने के साथ साथ चिढ़ाने में भी मजा आएगा ना। अभी मैं आग बंद कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि इसे नींद में है, क्योंकि हम लोग कभी इस टाइम पर सोते नहीं है और अचानक से सो गए तो नींद लग गई। ठीक है, नींद की बात हटाइए, क्योंकि पता चला कि हम लोग छूट जाके, लेकिन जो देखने वाले हैं वो सो गए। नहीं यार, हम लोग ऐसा भी व्लॉग नहीं बनाते हैं कि लोग देखकर सो जाएं। गाइस, ये है नमकीन, जिसको बोलते हैं चूड़ा, जो पतले पोहे का बनता है, और ये मम्मी हमारी बहुत टेस्टी बनाती हैं। उन्होंने ऐसे ही जनरली हम लोगों के नाश्ते वास्ते के लिए बना के रखा है, और जब ये फिनिश हो जाता तो फिर बना देती हैं। इसको देखकर अभी तुरंत में अगर किसी को पानी आ रहा होगा किसी के मुंह में, तो वो है जया, क्योंकि जया को बहुत ज़्यादा पसंद है। दीदी बोल रही है जया कि आज आप जया के मुंह में पानी ला कर रहेंगे। चूड़ा मुझे भी अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है, हम लोगों की बहुत सारी पसंद मिलती जुलती है ना। मतलब चिढ़ाने की बात नहीं है, कहने का मतलब ये कि हम लोगों की बहुत सारी पसंद ऐसी है जो मिलती जुलती है, और जब हम लोग रहते हैं सब लोग साथ में तो फिर अपनी मर्जी का ही चलता है सब।
सो हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी होने की कगार पर है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कल है 26 जनवरी, और 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, सबसे ज़्यादा उसमें खास बात ये होती है कि जब हम लोग स्कूल का टाइम याद करें तो बढ़िया उसमें बूंदे के लड्डू खाने के लिए मिलते थे, जो कि आज हम लोग मिस करते हैं वो स्कूल टाइम। ऐसा नहीं कि जाकर मार्केट से लेकर खा सकते हैं, बट वो जो एक स्कूल वाली फीलिंग होती थी ना बूंदी के लड्डू की, और वो लाइन लगाकर सबको दो दो लड्डू, चार चार लड्डू दिए जाते थे, तो वो मज़ा आ जाता था। खुद तो खाते ही खाते थे, ऊपर से घर भी लेकर आते थे कि आज स्कूल से मिले हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये 15 अगस्त और 26 जनवरी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मतलब ये दोनों दिन में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? देखा गाइस, मैंने बोला ना अभी आपसे कि जिस सारे लोगों से आप पूछेंगे तो सबको उस दिन का जो बूंदी का लड्डू मिलता है ना वो बहुत ही ज्यादा क्यों याद 15 अगस्त आता में? है। क्या आपको याद नहीं है कि 15 अगस्त में मैंने एमपी नगर से आपसे खरीदवाए थे? हाँ हाँ, 15 अगस्त में इन्होंने एमपी नगर से मुझे मतलब यहाँ एमपी नगर एक एरिया है भोपाल में, तो वहां से इन्होंने बोला कि हमें लेना है, मतलब आज 15 अगस्त का दिन है और हम लोग कुछ और खाए नहीं ऐसी है बूंदी साफ हो का, गई और लड्डू भी नहीं खाया था मैंने, काफी और हम ऐसे तो लोग नहीं निकल सारे जाते लोग थे, 15 अगस्त। हाँ हम लोग सारे सारे लोग लोग थे उस टाइम पर, है ना, हम लोग मार्केट सारे से लोग लौट थे। रहे न्यू थे। मार्केट से हम लोग लौट रहे थे, तो फिर मैंने इन लोगों को बोला कि चलिए आप लोगों को चाट खिलाता हूँ, क्योंकि मिलन का चाट बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही टेस्टी, और बहुत अलग तरीके से वो लोग चाट बनाते हैं, बहुत मजा आ जाता है खाने में। बन गया है आपका चीज़ी पास्ता। हे थैंक यू सो मच। तो मैंने इन लोगों को वहीं चाट खिलवाया और वहीं हम लोगों ने बूंदी के लड्डू खाए थे, बहुत अच्छा लगा था जो कि, है ना। और ये भूल गई थी, इनको लगा कि मतलब आज का पूरा दिन चला गया और इन्हें भी याद नहीं है अब क्या खाएंगे लड्डू, बट जब मैं लेकर आया इनके सामने तो इनकी खुशी ही अलग थी उस टाइम। अभी मन कर रहा है, देखते हैं अब कल, कल 26 जनवरी है, तो देखते हैं या तो कोई खिला देगा या हम लोग लेकर खा लेंगे। हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी, और मम्मी है ऊपर रूम पे। दोनों मम्मी की एक आदत है कि वो लोग जब भी साथ रहती हैं तो अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहती हैं, कथा की, और जब अकेले भी रहती हैं और फोन है हाथ में तो बढ़िया ईयरफोन लगाए रहेंगी और कुछ ना कुछ उनकी कथा चलती रहेंगी, फिर वो उसकी जो पूरी समरी रहती है उसको शॉर्ट में फिर हम लोगों को सुनाती हैं जब भी हम लोग बैठते हैं चाय कॉफी के टाइम पर, तो वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। चीज़ी पास्ता, पास्ता होए, थैंक यू सो मच। ये आ चुका है गाइस पास्ता, ये है चीजी पास्ता गाइस, मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा ना, डेफिनेटली आ रहा ही होगा। तो गाइस हम लोग कर लेते हैं डिनर और मिलते हैं थोड़ी देर से। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन, एंड आज है रिपब्लिक डे, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस आज का व्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं चैलेंज, और चैलेंज ये है कि देखते हैं कि कौन किसके बारे में कितना जानता है। काफी टाइम से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ चैलेंजिंग व्लॉग लेकर आइए, आप लोग कितना एक्साइटेड हैं चैलेंजिंग व्लॉग देखने के लिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो चैलेंजिंग व्लॉग है वो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में लाने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा व्लॉग आए आप लोगों तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं चैलेंजिंग ब्लॉग के साथ, कीप वॉचिंग।